नमस्कार दोस्तों, मैं ईशुल, मैं आप सभी का अपने चैनल टेक इट टारगेट पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं हाउ टू प्रिपेयर फॉर कैपजेमिनी इंटरव्यू। तो दोस्तों, आप सभी के कैपजेमिनी के इंटरव्यू आने वाले हैं एंड आप सभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो कि यार कैपजेमिनी इंटरव्यू के लिए पढ़ना कैसे है। तो यार, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं समझता हूँ आपकी हर एक चीज, हर एक डाउट सॉल्व हो जाएगा। अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी लगता है कि यार नहीं, मेरी कैपजेमिनी की अभी भी मतलब और क्या क्या रिसोर्सेज मुझे यूज करनी चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं आपका डाउट जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का ट्राई करूंगा। साथ ही साथ दोस्तों, इसके साथ मैं आपकी एक डाउट और सॉल्व करने वाला हूं। आपको पहले बता दूं, बेस्ट स्ट्रेटजी प्लस फ्री बेस्ट रिसोर्सेज दे रहा हूं। दोस्तों, यहां मैंने एक वर्ड यूज किया है फ्री, तो आपको सारी की सारी फ्री रिसोर्सेज मिलेगी, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ऐसे हैं, वो आपसे कुछ ना कुछ फी पे मांग रहे होंगे कि भाई हमें इतने रुपए दे दो, हम आपको ये वेबसाइट्स प्रोवाइड कर देंगे, हम आपको ये फ्री रिसोर्सेज प्रोवाइड कर देंगे। बट मैं बात करूं यार, यूट्यूब पर ऑलरेडी इतनी सारी फ्री रिसोर्सेज है, वेबसाइट्स है, गूगल पर है, कि आपको कोई जरूरत ही नहीं है कहीं रुपए देकर ये सारी चीजें खरीदने की। साथ ही साथ यार, एक बहुत बड़ा डाउट है कि ये जो कैपजेमिनी का जो इंटरव्यू है, क्या ये रिज्यूमे बेस्ड होता है या नहीं, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले आपको एक चीज बता दूं, ये जो वीडियो है ये दोनों प्रोफाइल्स के लिए है, क्योंकि कैपजेमिनी दो प्रोफाइल्स के लिए हायरिंग करता है। और जो इस बार हायरिंग कर रहा है दोस्तों, वो 4 LPA एज वेल एज 7.5 LPA, लास्ट से थोड़ा पैकेज कम था इससे। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यार, इस वीडियो पर टारगेट रख रहे हैं 2500 लाइक्स का, तो बस लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका हर एक लाइक मुझे मोटिवेट करता रहेगा कि आपके लिए कैपजेमिनी से रिलेटेड और वीडियो ऐसे ही लाता रहूं। तो दोस्तों, पहले मैं बता देता हूं हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, सीएससी एज वेल एज नॉन सीएससी। दोस्तों, सीएससी के आगे मैंने नॉन सीएससी लिख रखा है, क्योंकि नॉन सीएससी वालों का अलग से डाउट आता है कि सर मैं नॉन सीएस का नहीं हूं, कि सर मैं सीएस का नहीं हूं, तो मुझे कैसे प्रिपेयर करना है। भाई, मैं तुझसे एक डाउट पूछता हूं, अगर तुम नॉन सीएस के हो तो तुम सीएस की कंपनी में जा क्यों रहे हो, ठीक है? क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे काफी ज्यादा पूछा जाता है, इस चीज का भी जरूर ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत सुना होगा, बीइंग अ नॉन सीएस कैंडिडेट, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन एन आईटी कंपनी। ये आपसे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर आप नॉन आईटी के स्टूडेंट होने से आप में आईटी में इंटरेस्ट आया है, तो आपको आईटी के सब्जेक्ट्स भी आने चाहिए। इसलिए कॉमन चीजें हैं जो इंटरव्यू के लिए आप लोगों को प्रिपेयर करनी है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं यार, फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रिपेयर योर रिज्यूमे, मेंशन ऑल दोस थिंग्स इन विच यू आर श्योर और कॉन्फिडेंट अबाउट। तो पहले से ही डिस्क्लोज कर देता हूं यार, लास्ट टाइम जितने भी ऑन कैंपस इंटरव्यूज हुए थे, सारे के सारे रिज्यूमे बेस्ड थे। मेरा एक फ्रेंड है, उसका तो भाई अलग लेवल पर इंटरव्यू हुआ था। उसने क्या किया था, अपने रिज्यूमे में ऐसी चीजें मेंशन कर रखी थी जिसको उसको आता ही नहीं था। मेरे से उससे बात हुई थी 2 घंटे पहले, मैंने कहा था भाई तू सबकी डेफिनेशन कर लो, और भाई यही हुआ। इंटरव्यूअर ने हर एक चीज की उससे डेफिनेशन पूछी और वो रट्टा मार के गया था, उसने बोल दी, तो वो उस तरीके से हो गया। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, आप अगर आपने अपने रिज्यूमे में जो जो चीजें मेंशन कर रखी है उन सभी चीजों को तैयार कर लो। साथ ही साथ यार, आपको एक वीडियो बना देता हूं, वीडियो बता देता हूं, हमारे चैनल पर ऑलरेडी शेयर्ड है एक कैंडिडेट की, जिन्होंने रिज्यूमे टिप्स दी है। तो आपको करना क्या है, हमारे चैनल पर आना है, ये सर्च का दिख रहा होगा, यहां डालना है कैपजेमिनी रिज्यूमे, राइट, और एंटर पर क्लिक कर दीजिएगा। ये पहला वीडियो देख रहे हैं टीसीएस कैपजेमिनी रिज्यूमे टिप्स। तो इस रिज्यूमे की वजह से, ये जो इन्होंने रिज्यूमे मेंशन किया है इस वीडियो में, इस रिज्यूमे की वजह से ये कैपजेमिनी में सेलेक्ट हुए। साथ ही साथ के ऐसी चीजें बताएंगे जो आपको अपने रिज्यूमे में इंक्लूड कर सकते हो, और काफी एडवांटेजेस आप सभी को मिलते रहेंगे। तो बस यही है यार, अपने रिज्यूमे में कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं करना। और एक रिक्वेस्ट और यार, बहुत सारे ओवर स्मार्ट, या फिर क्या बोलूं मैं, बहुत लोग अपने रिज्यूमे में जावा, पाइथन, C++ सारी लैंग्वेजेस मेंशन कर देते हैं, भले ही उन लोगों ने C++ की हो 9th क्लास में 10th क्लास में, बहुत लोग जावा पाइथन। तो यार ऐसा मत करिएगा, कॉन्फिडेंट अगर आप पाइथन में हो, जावा में हो, कोई भी एक लैंग्वेज में हो, उसको जरूर मेंशन कीजिएगा। अदरवाइज इंटरव्यूअर आपसे क्रॉस क्वेश्चंस काफी करता है कि आपको जावा और पाइथन के बीच में डिफरेंस बताओ, कि आपने जावा को क्यों चूज किया है, पाइथन को क्यों नहीं किया, मतलब बहुत सारे उनके क्रॉस क्वेश्चंस बनते रहते हैं। एंड आई वांट कि आपके साथ क्रॉस क्वेश्चंस ना आए, जितना स्पेसिफिक होगा उतना बढ़िया आप सभी के लिए होने वाला है। साथ ही साथ नेक्स्ट यार, ये तो मैंने रेड में इंक्लूड किया है,
प्रिपेयर योर इंट्रोडक्शन वेरी वेल एज दैट डिसाइड्स द रेस्ट ऑफ द इंटरव्यू. अगर आप अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर लेते हो तो यार ये भी काफी एडवांटेज देता है. अब बहुत लोगों का डाउट होता है कि सर मैंने रिज्यूमे में कुछ चीजें ऐसी वैसी कर रखी है एंड अब मैंने अपना रिज्यूमे अपलोड कर दिया, वो चेंज नहीं हो सकता, तो अब मैं क्या करूं. मैं बोलता हूँ यार अगर रिज्यूमे नहीं तो फिर इंट्रोडक्शन को अच्छे से प्रिपेयर कर लो. इंट्रोडक्शन भी एक ऐसी चीज है, अगर आप अपने इंट्रोडक्शन में बोल देते हो कि सर मेरे को ये आता है, ऊप्स आती है, डीबीएमएस आता है, सीक्वल आता है, तो इंटरव्यू पे ना आपसे जो इंटरव्यू जो होने वाला है वो आपसे क्वेश्चन भी ऊप्स डीबीएमएस और सीक्वल के ही पूछेगा. अगर आप इंट्रोडक्शन में सोच रहे हो कि यार मैं स्टाइल मारने के लिए जावास्क्रिप्ट बोल देता हूँ, एंगुलर बोल देता हूँ कि इंटरव्यूअर इंप्रेस हो जाएगा और मेरे को शाबाशी देगा, ऐसा कुछ नहीं है यार, सच्ची बता रहा हूँ कुछ भी नहीं है. होगा क्या, वो आपसे एंगुलर जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन पूछने लग जाएगा क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन आपसे काफी हाई हो जाएगी. वो ये सोचेगा यार इस कैंडिडेट को तो यार जावास्क्रिप्ट भी आती है, एंगुलर भी आती है, इस कैंडिडेट को तो टेस्ट किया जाए अच्छे से. तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, ओवर स्मार्ट बनने की कुछ भी जरूरत नहीं है. जितना मिनिमाइज रहोगे, अगर आप कॉन्फिडेंट हो या जावास्क्रिप्ट में तो जरूर बोलो, बट ऐसा नहीं है कि आप फालतू में स्टाइल मारने के लिए बोल रहे हो. तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा. और अगर आपको नहीं मालूम कि यार कैसे आपको अपना इंट्रोडक्शन रेडी करना है तो पूरे यूट्यूब पर एक काफी ज्यादा वायरल वीडियो है, मैं आप सभी को दिखा देता हूँ. तो ये की पहली वीडियो हमारी एचआर इंटरव्यू क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट है. Tell me something about yourself, introduce yourself, interview question. 280,000 से ज्यादा views cross हो गए, ये काफी late update है मेरा. तो 80 से, तो एक request है, इस video को जरूर देखिएगा, काफी help आप सभी की हो जाएगी. तो अब बात करते हैं next की. Prepare any project in the domain you are interested in. अब यार देखो मैं तो अभी बोल रहा हूँ, आप में से काफी लोगों का प्रोजेक्ट भी रेडी होगा, किसी ने एमएल में कर रखा होगा एंड 85% कैंडिडेट से वेब डेवलपमेंट में कर रखा होगा. मैं फॉर श्योर कह सकता हूँ किसी ने आरडीओ पर कर रखा होगा, मेनली ईसी स्टूडेंट्स है, आरडीओ पर कर रखा होगा. फिर बात करते हैं वेब डेवलपमेंट हो गया, एमएल हो गया, आजकल काफी बच्चे आईओटी पर कर रहे हैं. अब एक बात सुनिए, मैंने अभी 2 मिनट पहले बोला एमएल, आईओटी, एआई, अगर भाई इनमें प्रोजेक्ट कर रखा है तो एडवांटेज ही एडवांटेज है, क्योंकि आप सभी को मालूम है ये जो टेक्नोलॉजीज है अभी अभी हुआ है, इतना टाइम नहीं हुआ कि ये ज्यादा इवॉल्व हुई हो, तो इंटरव्यूअर आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेगा. वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि बंदे को एमएल आती हो और उसको उसका यूज मालूम. बट अगर आपने प्रोजेक्ट कर रखा है भाई वो इंप्रेस हो जाएगा, लिटरली बता रहा हूँ. लास्ट टाइम भी बहुत ज्यादा देखा गया था, इस बार भी काफी कैंडिडेट्स का मेरे पास मैसेज आ रहा है कि सर मैंने एमएल पर प्रोजेक्ट कर रखा है. मैं बोल रहा हूँ भाई उसको अच्छे से प्रिपेयर करो और उसको अपने इंट्रोडक्शन में समझाओ. साथ ही साथ आप में से कुछ कैंडिडेट्स हैं अपने रिज्यूमे में मेनली 3 से 4 प्रोजेक्ट मेंशन कर रखे होंगे, बट इंट्रोडक्शन में वही प्रोजेक्ट को मेंशन करना जिस पर आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, या फिर उस प्रोजेक्ट को मेंशन करना जिससे आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको एडवांटेज मिलेगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पर डिपेंडेंट हो. साथ ही साथ अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन भी तैयार कर लीजिएगा कि इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि इस प्रोजेक्ट को करते समय आपको क्या क्या डिफिकल्टीज फेस हुई, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए तैयार रहिएगा. साथ ही साथ आपका प्रोजेक्ट आपने अकेले ने किया है या साथ में, क्योंकि बहुत सारे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स होते हैं जो आप मिलकर करते हो, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा. साथ ही साथ एक वीडियो और है, यानी देखो वीडियोस तो हमने सारे बना रखे हैं. हाँ, हाउ टू एक्सप्लेन प्रोजेक्ट इन इंटरव्यू स्टेप बाय स्टेप आंसर, तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा. और सभी के लिंक, सभी रिसोर्सेज, बेस्ट स्ट्रेटेजी, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे. वीडियो बस थोड़ा लंबा इसलिए बनेगा क्योंकि काफी सारी चीजें जो आपको बता रही है. फिर आता है यार बहुत बच्चों ने ना प्रोजेक्ट नहीं किया होता है, मैं बोलता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, प्रोजेक्ट नहीं किया कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है. बट प्रोजेक्ट नहीं कर रखा, बट कुछ लोगों ने, इफ यू हैव डन एनी इंटर्नशिप कर रखी है, मैंने ब्रैकेट्स में साफ साफ मेंशन कर रखा है, वेयर यू हैव डेवलप्ड सम प्रोजेक्ट और वर्क ऑन सम टेक्निकल पार्ट, नॉट ट्रेनिंग दैट डू नॉट मेंशन दैट डू नॉट मेंशन दैट डू नॉट आएगा सॉरी मतलब अगर आपने ट्रेनिंग कर रखी है तो उसको मेंशन नहीं कीजिएगा, क्योंकि बहुत लोगों का डाउट होता है सर मैंने ये वाले इंस्टीट्यूट से पाइथन सीखी थी, ये इंस्टीट्यूट से जावा सीखी थी, तो मैं उसको इंटर्नशिप में मेंशन कर सकता हूँ. बिल्कुल भी नहीं यार, इंटर्नशिप इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है. अगर प्रोजेक्ट नहीं कर रखा तो इंटर्नशिप पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है. और इंटर्नशिप में भी आपने कुछ ना कुछ डेवलप किया होगा, कुछ ना कुछ स्किल्स बनाई होगी. तो एक और चीज, एक मैं चीज बताना भूल गया, प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप एक इसलिए भी जरूरी है. सपोज करो यार आपको पाइथन आती है, राइट, आपने इंटरव्यूअर को बोल दिया कि सर मुझे पाइथन आती है अपने इंट्रोडक्शन में, बट उस चीज को प्रूफ कैसे करोगे कि भाई आपको
पाइथन आती है, तो आप अपने इंट्रोडक्शन में बोल सकते हो कि सर मेरा जो प्रोजेक्ट है वो पाइथन पर है, मेरी जो इंटर्नशिप है वो भी मैंने पाइथन पर कर रखी है। उससे क्या होगा, इंटरव्यूअर समझ जाएगा यार इस कैंडिडेट को पाइथन तो आती है, साथ ही साथ इसने पाइथन को एक्सपेरिमेंट मीन्स प्रैक्टिकल यूज भी कर रखा है, तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे, सर ना तो मैंने प्रोजेक्ट कर रखा है ना तो मैंने इंटर्नशिप कर रखी है, मेरा क्या होगा, क्या मैं सेलेक्ट हो पाऊंगा? यार आप लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ पे लेकर आया हूं। अब सपोज कीजिए यार, सपोज क्या आपको प्रिपेयर कंप्यूटर साइंस कोर सब्जेक्ट्स लाइक कूप्स, डीबीएमएस, सीक्वल एंड एनीवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पढ़नी पड़ेगी, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड बेसिक्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। देखो यार, कूप्स, DBMS, SQL आपके कॉलेज वाले नहीं बताएंगे, मेरे साथ भी हुआ था, मेरे को नहीं बताया था, मैंने अपने सीनियर से कांटेक्ट किया था, वो कुछ और बोलते थे, और इंटरव्यू में क्या आया मेरे को, जब 5-6 रिजेक्शन मिले जब मुझे समझ आया भाई इंटरव्यू में ये चीजें रामबाण है, ऊप्स हुआ, DBMS हुआ, SQL हुआ, ये हर एक इंटरव्यू में पूछी जाएगी, मानोगे नहीं Amazon के इंटरव्यू में भी ऊप्स कॉन्सेप्ट पूछ लिए जाते हैं। SQL क्वेरी की बात करता हूं, बट ये प्रिपेयर कहां से करना है इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर लीजिएगा, लेट इट बी पाइथन, जावा, सी, सी प्लस प्लस, और बाय डिफॉल्ट यार सी और सी प्लस प्लस के आपसे बेसिक पूछे जाते हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों यार ये मैंने देखा है, सी और सी प्लस प्लस इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट करता है कि हर एक कैंडिडेट को बाय डिफॉल्ट आता है। साथ ही साथ बेसिक्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर की बात करता हूं, तो इसमें यार आपका एरे आ जाएगा, ठीक है, स्ट्रिंग आ जाएगा, ठीक है, मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते जा सकते हैं, पैटर्न बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू के टाइम पर, तो इस चीजों का जरूर ध्यान रखिएगा। इफ यू हैव डन एनी सर्टिफिकेशन ऑन द स्किल्स इन विच यू आर ऑलरेडी गुड इन विच यू आर ऑलरेडी गुड इन दैट डू मेंशन दैट। मैंने क्या बताया, अगर आपने पाइथन कर रखी और पाइथन पर प्रोजेक्ट मेंशन कर दिया, इंटर्नशिप मेंशन कर दिया, एडवांटेज मिल गया, साथ ही साथ यार उसमें सर्टिफिकेशन भी मेंशन कर दो, मतलब इंटरव्यूअर को बता दो कि भाई पाइथन मुझे बाय हार्ट आती है, मतलब कुछ भी कर लो सर पाइथन तो मतलब बहुत ज्यादा अच्छे से आती है, तो ऐसा कर आप उसको प्रूफ दे सकते हो, सर्टिफिकेशन मेंशन कर सकते हो, कोई अच्छा सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेट कर रखा है, बहुत लोगों ने ML से रिलेटेड, AWS से रिलेटेड काफी सर्टिफिकेट किए होते हैं, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। बी प्रिपेयर्ड विद द लॉजिक्स ऑफ प्राइम नंबर, आर्मस्ट्रांग नंबर, पैलिंड्रोम नंबर, फिबोनाची की सीरीज, HCM एंड LCM। यार देखो ये मैं उनके लिए बोलूंगा, कैप जेमिनी में 2 प्रोफाइल होती है, इस बार शायद 4 LPA एंड 7.5 LPA के लिए, ये दोनों को प्रिपेयर करना है। 7.5 LPA को तो शायद बाय डिफॉल्ट ये चीजें आती होगी, क्योंकि उन्होंने भाई कोडिंग राउंड क्लियर किया है, ठीक है, कोडिंग राउंड क्लियर किया है, बट 7.5 वालों से एक्सपेक्ट किया जाएगा बेसिक्स ऑफ ट्रीज पूछ सकते हैं, लिंक लिस्ट पूछ सकते हैं, तो आपसे यार एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स के बेसिक्स पूछे जा सकते हैं, तो इसके लिए प्रिपेयर जरूर रहना। साथ ही साथ HR इंटरव्यू क्वेश्चंस, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कहाँ से आपको प्रिपेयर करने हैं। बात करते हैं यार रिसोर्सेज फॉर CS कोर सब्जेक्ट्स, कहाँ से ये पढ़े जाए, तो पहले आता है प्रिपेयर एनी वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा टी पॉइंट। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ने हैं यार कि मुझे थ्योरी पढ़नी है तो जावा टी पॉइंट पे जाओ, ये जो ग्रीन डैशबोर्ड दिख रहा है, पाइथन, जावा, HTML, SQL, PHP, C++, DS, बहुत चीजें दे रखी है, अगर आपको पाइथन करनी है, पाइथन की बेसिक जानने हैं तो पढ़ लीजिए, क्योंकि काफी ज्यादा फीचर्स पूछे जाते हैं, फीचर्स ऑफ पाइथन बताइए, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, कीवर्ड्स, लिटरल, ऑपरेटर्स, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ सकते हो यार। मैं भी अपने जब मैं अपने प्लेसमेंट की तैयारी कर रहा था, मैं भी जावा टी पॉइंट खोल लेता था, और ये पूरे इंडेक्स की जैसे अपने मोबाइल पर, जैसे फ्री बैठा हूं तो मोबाइल पर खोलता रहता था, पढ़ता रहता था, रिवाइज करता रहता था, तो आप सभी भी यार ये ऐसे कर कर पढ़ सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो ऊप्स कहां से पढ़ी जाए, ऊप्स के लिए भी यार जावा टी पॉइंट पर आपको जाना पड़ेगा। मैं यार बार बार स्क्रीन स्विच इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं आप सभी को बताने के लिए, तो ऊप्स कंसेप्ट है यार जावा टी पॉइंट से जरूर पढ़िएगा। यहां आपको देखो मैं मेन चीजें बता देता हूं जो ऊप्स में पूछी जाती है भाई, एक तो एब्स्ट्रैक्शन, भाई पता नहीं क्या है इंटरव्यूअर को, वो एब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशन पूछेगा, बट लास्ट में फिर से और बोल देगा क्या आप मुझे उसका एग्जाम्पल और बता सकते हो, मतलब एग्जाम्पल तो पूछेगा क्योंकि यार ऊप्स कॉन्सेप्ट एक ऐसी चीज हो जाती है, मैं क्या मतलब किसी को भी बोल दो वो रट्टा मार लेगा और डेफिनेशन बोल देगा। ऊप्स कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस जब समझ आती है जब सामने वाले कैंडिडेट को उसका एग्जाम्पल पता हो। एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं, मैं आपको उसका एग्जाम्पल दूंगा भी, रुकिए। एब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशन है, इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द इंप्लीमेंटेशन डिटेल एंड शोइंग ओनली फंक्शनैलिटी टू द यूजर। सपोज करिए यार मैं अपने एक फ्रेंड को व्हाट्सएप कर रहा हूँ, हाय हाउ आर यू, ठीक है,
उसके पास पहुंच गया कि मेरी साइड से मैसेज आया हाय हाउ आर यू, मैंने भेजा है, बट यार उसके पीछे फंक्शनैलिटी क्या है वो उसको शो नहीं हो रही कि व्हाट्सएप के पीछे फंक्शनैलिटी क्या हो रही है। तो इसकी डेफिनेशन यही, एब्स्ट्रैक्शन इज अ प्रोसेस, सॉरी एब्स्ट्रैक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल। उसमें भाई हाय हाउ आर यू भेजने में जो मेहनत की है व्हाट्सएप के जो बड़े बड़े प्रोग्रामर्स है वो सब कुछ हाइड एंड शोइंग ओनली फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी क्या है, अंशु जो मैंने अपने दोस्त को मैसेज किया है हाय हाउ आर यू, वो उस पर पहुंच गया है, वो उसने शो कर लिया। तो यही था एक सिंपल एग्जांपल, मैंने आप सभी को समझा दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं डीबीएमएस, डीबीएमएस कहां से पढ़नी है, तो यार इसके लिए आपको संचित जैन की वीडियोस देखनी पड़ेंगी, संचित जैन सर की, क्योंकि यार मैंने उनकी काफी ज्यादा वीडियोस देखी अपने अपने जब मेरे को ये डीबीएमएस का सब्जेक्ट पास करना था तो मैं इनका काफी वीडियोस देखता था, तो आपको भी ये सजेस्ट करूंगा। बट 2x में देखिएगा, ज्यादा टाइम मत लगाइएगा, हर एक वीडियो को समझ रहे हो 2x में देख सकते हो वीडियो, जरूरी नहीं है भाई बिल्कुल स्लोली स्लोली देख रहे हो, इतना टाइम नहीं है आप सभी के पास। SQL की बात करता हूं तो काफी अमेजिंग लिंक्स मैं शेयर कर देता हूं, वहां से आप क्वेरीज भी कर सकते हो। तो पहला लिंक है ये, जहां से यार ये काफी मजेदार लिंक है, यहां मैं आपको बता देता हूं काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और यार ये तीनों क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर आप सोच रहे हो इंटरव्यूअर आपसे डीबीएमएस भी पूछेगा, वो कभी कभी आपसे फुल फॉर्म भी पूछ लेगा, सच्ची बता रहा हूँ। लिटरली बहुत बच्चे ऐसे होते हो फुल फॉर्म नहीं बता पाते हैं। SQL की फुल फॉर्म में आपको बड़ी अजीब अजीब बताता हूँ, सब्जेक्ट क्वेरी पता नहीं क्या क्या आती है, मतलब बच्चों को स्ट्रक्चर्ड याद ही नहीं होता, क्वेरी लैंग्वेज तक वो पहुंच जाते हैं जो SQL का ऐसे वो भूल ही जाते हैं। व्हाट इज RDBMS, RDBMS की डेफिनेशन में बच्चे DBMS बोलते हैं कि सर सेम होता है, तो ये बेसिक चीजें कर लीजिएगा, साथ ही साथ प्राइमरी की फॉरेन की यूनिक की इन तीनों का डिफरेंस कर लीजिएगा। व्हाट इज जॉइंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट, इनर जॉइन, राइट जॉइन, लेफ्ट जॉइन, फुल जॉइन, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ बहुत कुछ है यार इसमें, टॉप 50 क्वेश्चन होंगे तो वो आप सभी को प्रिपेयर करने, और यार क्वेरीज आ गई है ये भी आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा कुछ ये, और ये सारी सेलेक्टेड क्वेरीज है इनको कर लीजिए, प्रिपरेशन ऑलमोस्ट आप सभी की पूरी हो जाएगी। और एक और वेबसाइट है इंटरव्यू बिट की, वो भी मैं आप सभी को प्रेफर करूंगा, इस वेबसाइट को भी रेफर कर लीजिए, यहाँ भी आपको काफी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे इंटरव्यू बेस्ड, तो इन दोनों को आप रेफर कर सकते हो। अब बात करते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर नेटवर्क बेसिक्स कहां से पढ़े जाए, तो यार लास्ट मिनट नोट्स किस किस ने सुना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, गीक्स फॉर गीक्स के उसको प्रिपेयर कीजिए, वहां से प्रिपेयर कीजिए, अमेजिंग रिसोर्सेज है, मैं आपको दिखा देता हूं कैसे आप इन रिसोर्सेज को यूज कर सकते हो, तो इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहे हैं। तो लास्ट मिनट नोट्स ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ नहीं है, बहुत ही बेसिक, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपको पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम खत्म कर रखा है, जैसे कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आप पढ़ सकते हो, फिर आप नीचे आ रहे हो इसमें काफी चीजें आपको मिल रही है, और यह पूरा मैं समझता हूँ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा बड़े आराम से खत्म हो जाएगा। डिफरेंट स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम काफी ज्यादा पूछी जाती है, FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो ऐसे पढ़ सकते हो, तो यह बहुत अच्छे से समझा रखा है, देखिए मतलब एक स्क्रॉल डाउन मतलब आराम से ये कर लोगे, कोई जरूरत नहीं है नोट्स वोट्स मांगने की टॉपर्स वगैरह से, ये इसमें पूरा काम हो रहा है आप लोगों का। एक और चीज है यार लास्ट मिनट नोट्स के, कंप्यूटर नेटवर्क के नोट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स कौन सी होती है, उनके फंक्शंस क्या है, हर एक लाइन में आपको हर एक चीज समझा रखी है, हर एक एक लाइन में, राइट। नेटवर्क टॉपोलॉजीज आप सभी को मिल रही है, बाकी हर एक चीज दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। अब बात करते हैं यार नेक्स्ट की, तो SDLC कहां से करनी है, ट्यूटोरियल पॉइंट से। SDLC का मतलब नहीं मालूम हो तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा तो मैं इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि यार डिपेंड्स ऑन द इंटरव्यूअर, पूछी बहुत ज्यादा जाती है, वो इंटरव्यूअर के ऊपर है वो आपसे पूछता है या नहीं पूछता, तो ट्यूटोरियल पॉइंट रेफर कर लीजिएगा। और SDLC पढ़ने का मैं तरीका बता देता हूँ, SDLC की डेफिनेशन कर लीजिए, दैट्स ऑल, उसके बाद उसके काफी सारे मॉडल्स है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है जो सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है वाटरफॉल मॉडल है। अब वाटरफॉल मॉडल कैसे पढ़ना है भाई, इतनी बड़ी डेफिनेशन हमें नहीं कर रही, इनका डायग्राम है, हर एक मॉडल का डायग्राम जैसे पढ़ लीजिए कि पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, सिस्टम डिजाइन है, इंप्लीमेंटेशन है, टेस्टिंग है, डिप्लॉयमेंट है, मेंटेनेंस है, तो ऐसा कर आप पढ़ सकते हो, इसको पूरे एक पैराग्राफ बना दीजिए यार, फोर्थ ईयर में आ गए हो इतना तो आप सभी कर लोगे। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है दोस्तों C++ बेसिक्स, जैसा कि मैंने बताया ये बाय डिफॉल्ट पूछे जाते हैं, तो इसके इनको भी दोस्तों आप लास्ट मिनट नोट से कर सकते हो। बाकी दोस्तों इंटरव्यू पजल्स, इसका लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, यहां अभी मैं लिंक ओपन नहीं हो रहा था तो कोशिश करूंगा आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। इंटरव्यू पजल्स भी काफी पूछे जा सकते हैं यार, देखो मैं आपको वर्स्ट से वर्स्ट केस बता रहा हूं, अदरवाइज कैपजेमिनी का इंटरव्यू इतना टिपिकल नहीं होगा, ये सारी रिसोर्सेज इसलिए मेंशन कर रहा हूं, वर्स्ट से वर्स्ट केसेस में
कभी कभी इंटरव्यूअर का मूड सही नहीं होता एंड वो सडनली बहुत टिपिकल टिपिकल क्वेश्चंस पूछने लग जाता है, एंड साथ ही साथ जो जो 7.5 एलपीए के लिए तो उनसे एक्सपेक्टेशंस हाई होंगी, उनसे इंटरव्यू के पजल्स भी पूछे जा सकते हैं। तो मैंने यहाँ टॉप 10 इंटरव्यू पजल्स मेंशन कर रखे हैं, तो आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे। बाकी यार आता है प्रिपेयर जस्ट द डेफिनेशन ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज लाइक मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, आईओटी और साइबर सिक्योरिटी। भाई इनको जरूर कर लो, लाइक लिटरली कर ही लो, बस डेफिनेशन बोल रहा हूँ। बहुत लोगों को तो आती होगी, बहुत लोग सोच रहे होंगे सर बता क्या रहे, देखो मशीन लर्निंग कर लो, तो मैं एप्लीकेशन पे आ गया। मशीन लर्निंग का इंट्रोडक्शन कर लो, एप्लीकेशन कर लो कि मशीन लर्निंग एक्चुअली यूज कहाँ होती है, व्हाट इज इट, तो ऐसे करके पढ़ सकते हो। साथ ही साथ आईओटी भी पढ़ सकते हो, बाकी साइबर सिक्योरिटी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो एक रिक्वेस्ट यार, इन चीजों को जरूर प्रिपेयर कर लीजिए, आपकी काफी अच्छे लेवल पे तैयारी हो जाएगी। और ये ऐसी चीजें है, अगर आप इंटरव्यूअर पूछ लेता है काफी डाउट्स, अगर आप मेरे कैपजेमिनी के इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखोगे तो इंटरव्यूअर का एक क्वेश्चन होता है कि डू यू नो एनीथिंग अबाउट एनी लेटेस्ट ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी। तो ट्रेंडिंग में आप बोल सकते हो AI, ML, क्लाउड कंप्यूटिंग, IoT, साइबर सिक्योरिटी, देन आप उसकी डेफिनेशन बता सकते हो। यार मैं बस एक चीज बोलता हूँ, कभी भी कुछ भी कर रहे हो उसको एग्जाम्पल के साथ करिए, उसकी एप्लीकेशन के साथ करिए, क्योंकि उससे इंटरव्यूअर को भरोसा हो जाता है आप पर, आप उस चीज को रटकर नहीं आए हो, आपको उसका यूज भी मालूम है कि वो यूज कहाँ हो रही है, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आपको HR इंटरव्यू क्वेश्चन कहाँ से प्रिपेयर करने हैं, टेकन टारगेट प्लेलिस्ट, यार यहाँ तो मैं अपनी मार्केटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि यार ये मेरे ख्याल से पूरे YouTube पे ऐसे बेस्ट आंसर्स नहीं मिलेंगे पांचों के पांचों क्वेश्चन फ्रेशर्स के लिए। इवन जो लास्ट वीडियो देख रहे हो, ये बंदा ना, इस बंदे का ऑलरेडी एसेंजर एंड कैपजेमिनी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस वायरल है पूरे यूट्यूब पर। साथ ही साथ इसके और भी इंटरव्यू बाकी साथ HR के क्वेश्चन है। एक ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन अ कंपनी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई डू यू वांट टू जॉइन कैपजेमिनी, तो इसमें आपको ये आंसर देना है व्हाई शुड वी हायर यू, आपको ये आंसर प्रिपेयर करना है। वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, इसके लिए आप प्रिपेयर होने चाहिए। तो इन चीजों का दोस्तों जरूर ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ यार अब आपको वॉच प्रीवियस ईयर कैपजेमिनी इंटरव्यू एक्सपीरियंस, भाई 40 से ज्यादा मेरे ख्याल से आपको मेरे चैनल पे इंटरव्यू एक्सपीरियंस मिल जाएंगे। लेट मी सी कितने हो गए, क्योंकि मैं रोजाना शेयर करता रहता हूँ। हाँ यार 55 वीडियोस है, सॉरी 50 से ज्यादा इंटरव्यू एक्सपीरियंस क्रॉस हो चुके हैं। तो एक बार इस प्लेलिस्ट को देख लो यार, 2x में जितने में भी देख रही हो, मतलब ओवरव्यू लेना है ओवरव्यू ले लो, बट इन क्वेश्चंस को लिख लो, इससे ज्यादा कहीं भी पूछा जाने वाला है। CSE, EC, मैकेनिकल, हर एक स्टूडेंट से पूछा जाएगा। एक स्टूडेंट का मैंने इंटरव्यू बनाया था, ये देखिए अलक्ष्य इंद्र, मतलब इसका इंटरव्यू ऐसा हुआ था भाई, मूवी बेस्ड हो गया था, राजू रस्तोगी की इसको याद आ गई थी। इसका इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखिए आप, काफी सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस आप सभी को मिलते रहेंगे यार। मतलब स्क्रॉल डाउन करते रहिएगा, इंटरव्यू एक्सपीरियंस की कमी नहीं है आपको, मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन के आइडिया लग जाएगा हमारे चैनल से, राइट। अब एक और दो तीन चीजें और रह गई है यार, प्रोजेक्ट आइडियाज। कुछ लोगों ने प्रोजेक्ट नहीं कर रखा और उनको प्रोजेक्ट करना होता है, तो गीक्स फॉर जाइएगा, मैंने एक वेबसाइट का लिंक मेंशन कर रखा है, गीक्स फॉर मैं दिखा देता हूँ। कंप्यूटर साइंस प्रोजेक्ट्स है, अगर आप C++, जावा, पाइथन किसी में भी प्रोजेक्ट करना चाहते हो कर लो, क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर रखा है, इम्प्लीमेंट कर रखा है। पाइथन के अगर मैं सेकंड प्रोजेक्ट की बात करता हूँ, टिंटर से रिलेटेड इन पाइथन, तो आपको बनाकर भी बता रखा है। तो एक बार इसको क्रिएट कर लीजिए, इंटरव्यूअर को बोल दीजिएगा कि सर, अगर इंटरव्यूअर बोलता है कि आपने कोई प्रोजेक्ट नहीं कर रखा, तो बोल दीजिएगा सर मैंने इन लास्ट 5 to 6 days आई हैव क्रिएटेड दिस प्रोजेक्ट, क्योंकि प्रोजेक्ट को बनाने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। ठीक है, रिज्यूमे में मेंशन नहीं है कोई बात नहीं है, बट आप अपने इंट्रोडक्शन में इस चीज को मेंशन कर सकते हो। साथ ही साथ अगर हाउ टू एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट इन एन इंटरव्यू, ये मैंने आप सभी को बता दिया। तो एक रिक्वेस्ट यार, सारी चीजों को बहुत ज्यादा अच्छे से कर लीजिए। अगर इसके अलावा भी कुछ लगता है आपको, कोई डाउट है या कुछ है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ यार 2500 लाइक्स का टारगेट पूरा जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जितना हो सके यार इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट कर बताइए, और जितना हो सके यार लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं जल्दी मिलता हूँ अपनी नई वीडियो में अपने नए टेक अपडेट के साथ। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।